हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, मुंबई, नागपुर ये हमारे हॉस्पिटल से वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोग रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती होते हैं, उनका हम इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिप्नोटिज्म जो मैं हरदम करते रहता हूँ, जिनके लोग मतलब जिससे लोग अच्छे होते हैं, जिससे लोगों को मतलब उनकी बीमारी के बारे में उनको फ़ायदा होता है, तो वह हिप्नोटिज्म के बारे में जो गलत फहमी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या है कि लोगों को गलत फहमी बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है हिप्नोटिज्म के बारे में। हिप्नोटिज्म जो है वो किसी के मर्जी के खिलाफ कोई कर नहीं सकता है, मतलब उसको मालूम नहीं है और आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कोई हिप्नोटिज्म कर नहीं सकता। हिप्नोटिज्म करके लोगों के खिसे में के पैसे निकाल नहीं सकते। हिप्नोटिज्म करके कैशियर, बैंक में गए कैशियर को बोला चल पैसे दे दे और उसको हिप्नोटाइज करके पैसे ले लिया, ऐसे नहीं हो सकते। या कोई लेडी के गले का मंगलसूत्र जो है वो हम निकाल नहीं सकते कि हिप्नोटाइज किया, मंगलसूत्र निकाल लिया, सोना ले लिया और भाग गए। हिप्नोटाइज ऐसा कुछ नहीं होते रहता है। कोई लड़की को भगा के ले गया हिप्नोटाइज करके, वैसा भी नहीं होता है। हिप्नोटिज्म तभी संभव है जब सामने वाला उसको तैयार है, उसकी तैयारी होना जरूरी है। वो बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, सूचनाएं लेने को तैयार हूँ, मेरे कॉन्शियस माइंड को आप सूचना दो, और कॉन्शियस माइंड को सूचना देते देते आप सबकॉन्शियस माइंड तक मेरे पहुँचो। ऐसा जब वो तैयारी से बोलता है तभी हम सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने के लिए कॉन्शियस माइंड ने हाँ बोलना जरूरी है। वैसा कभी जोर ज़बरदस्ती या किसको बिना बोले बिना बताए सम्मोहित या हिप्नोटाइज हम नहीं कर सकते, तो वो गलत फहमी निकालना बहुत जरूरी है। मगर क्या है कि हिप्नोटिज्म लोगों ने बदनाम कर दिया। कोई लड़की लड़के के साथ में भाग जाती है और अभी अपना चेहरा छुपाना है या अपना नाम छुपाना है, या लोगों ने गलत नहीं बोलना चाहिए इसलिए बोलते हैं मुझे पता नहीं हिप्नोटाइज किया लेके गया। या लालच में लोग पैसे देते हैं किसको कि भाई मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, और बाद में उसको मालूम होता है कि अपन फंस गए, बोलता है कि नहीं मेरे को हिप्नोटाइज करने मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। कोई लेडी अपने गले का मंगलसूत्र उतार देती है कि वो सोना जो उसको वो चमका के देगा, है ना, ऐसा बोलता है और वो मंगलसूत्र निकाल के देती है और वो लेके भाग जाता, बोलते मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के बीच में लोगों ने एक गलत फहमियाँ दे दिया हिप्नोटिज्म के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिप्नोटिज्म बच्चों को जल्दी हो सकता है क्योंकि बच्चे ऑल द टाइम, 6 साल के नीचे के बच्चे ऑल द टाइम दे आर हिप्नोटाइजेबल, सजेस्टिबल है, तो वो हो सकते हैं, बड़े लोग नहीं होते। एक बार आपका सुपर ईगो तैयार हो गया, एक बार आपकी आइडेंटिटी तैयार हो गई, तो वो उसने जब तक वो तैयार नहीं, मतलब वो नहीं बोलता कि मैं सम्मोहित होने को तैयार, तब तक नहीं हो सकता। मंद बुद्धि के जो लोग हैं, इनको मंद बुद्धि है, गति मंद है या मति मंद है, वो सजेशंस लेने के लायक नहीं होते, उनको समझता नहीं है समझो मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, तो वो हिप्नोटाइज नहीं होते। जो लोग एनालाइज करने वाले होते, एनालिसिस करने वाले होते, बहुत एनालाइज करना और उसकी झिलपियाँ झाड़ना हम बोलते हैं अपने भाषा में, तो वो एनालाइज करने वाले लोग भी हिप्नोटाइज नहीं होते। क्योंकि हिप्नोटाइज होने के लिए सबसे पहले सरेंडर होना बहुत जरूरी है, हिप्नोटाइजेबिलिटी होना जरूरी है, उसके लिए मतलब तैयारी होना जरूरी है कि भाई आप मेरे को जो भी सूचनाएं देंगे मैं सुनूंगा और वैसा वैसा करूंगा। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है। सम्मोहन किसी के मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते, किसी के कपड़े उतार नहीं सकते, किसी को जोर ज़बरदस्ती कुछ, किसी का मतलब पैसा या कोई प्रॉपर्टी लिख के नहीं ले सकते, ये सब बकवास है, अफवाहें हैं, गलत फहमियाँ लोग फैलाते रहते हैं। सम्मोहन एक साइंटिफिक माध्यम है। अधिक जानकारी है तो हमारे वर्कशॉप्स में आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं सम्मोहन का हमारे साथ में बैठ के, कुछ आपके प्रॉब्लम है वो हिप्नो काउंसलिंग से हम ठीक कर सकते हैं। तो जरूर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे नीचे जो लिंक दिए हैं ना उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हिप्नोटिज्म के बारे में, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों को गलत फहमियाँ निकाल देने के लिए आप जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जो सब्सक्राइब करो, उसके साथ में जो बेल आइकॉन आएगा ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि आपके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आपके फेसबुक के, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।